वेलकम टू ड्रूम डिस्कवरी। अगर आप एक नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जनवरी 2021 में कौन कौन सी नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ऐसी क्या खास बातें हैं इन गाड़ियों में कि ये आपकी बाइंग लिस्ट में शामिल हो सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं टाटा अल्ट्रोस टर्बो पेट्रोल से। इस गाड़ी ने अपने परफॉर्मेंस और डिजाइन से सबको वैसे ही बहुत इंप्रेस किया है और अपने सेगमेंट में अकेली गाड़ी है जो डीजल वेरिएंट में भी आती है। टू टेक द एक्साइटमेंट अहेड, टाटा अब इस गाड़ी का एक पावरफुल पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस कर रहा है जो कि हाल ही में लॉन्च हुई हुंडई i20 और वॉक्सवैगन पोलो TSI को एक कड़ी टक्कर देने वाला है। इस गाड़ी में ऐसा क्या कुछ खास है बताते हैं आपको, क्योंकि ये जरूर आपको लुभाएगा। टू स्टार्ट विद द इंजन, आपने ये इंजन नेक्सोन में जरूर देखा होगा, लेकिन ये नेक्सोन का डीट्यून वर्जन है थोड़ा सा और आपको पावर आउटपुट ये देगा 108 BHP का। इस गाड़ी में आपको 7-speed डुअल क्लच ट्रांसमिशन जरूर मिलेगा, लेकिन ये गाड़ी का जो ट्रांसमिशन है अभी तक आपने सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में देखा होगा। बात करते हैं एक्सटीरियर डिजाइन की, तो कुछ ज्यादा कुछ आपको चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन आपको दो नए कलर ऑप्शंस मिलेंगे यहां पर। इंटीरियर ऑलमोस्ट आपको एग्जिस्टिंग अल्ट्रोस जैसा लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस गाड़ी की डिलीवरी 2021 जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी। और जहां तक बात है प्राइस का, तो हमें लगता है कि ये गाड़ी 70,000 से 75,000 रुपये महंगी पड़ेगी एग्जिस्टिंग टाटा अल्ट्रोस के टॉप एंड वेरिएंट से। लिस्ट में सेकंड कार है रेनो काइगर। अपने सिस्टर ब्रांड निसान की तरह ही रेनो भी सब 4 मीटर SUV में अपनी जगह बनाना चाहता है, दैट टू विद ऑल न्यू काइगर। इस गाड़ी के अगर खूबियों के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बात होगी इसके डिजाइन की, क्योंकि लास्ट मंथ ही रेनो ने ग्लोबली अनवील किया रेनो काइगर को और इसका जो डिजाइन है वो इसका सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है। ब्रांड की अगर हम बात माने तो जो इसका प्रोडक्शन मॉडल है वो कॉन्सेप्ट वर्जन के 80% आसपास कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो यहां पे आपको मिलेगा 2 लेवल ऑफ LED फीचर हेडलाइट्स, नियॉन इंडिकेटर्स, 19-inch व्हील्स विद ग्रूव टायर्स, टेपर्ड मिरर्स एंड सी शेप्ड टेल लैंप्स। रेनो की बाकी गाड़ियों की तरह ही काइगर का सिर्फ पेट्रोल वर्जन ही इंडियन मार्केट में आपको दिखेगा। जहां तक इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करें, अभी तक OEM ने कोई भी हमें इसका इमेज रिलीज नहीं किया है, लेकिन हमारा मानना यह है जो इसका इंटीरियर है वो ऑलमोस्ट ट्राइबर के आसपास होगा। जहां तक इस गाड़ी की प्राइस की बात करें, ड्यू टू हैवी लोकलाइजेशन इस गाड़ी का जो प्राइस है बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस आने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका स्टार्टिंग प्राइस जो होगा वो तकरीबन 6 लाख रुपए हो सकता है। और अब लिस्ट में अगली गाड़ी है स्कोडा की विजन इन, जो कि इसी साल हुए ऑटो एक्सपो में अनवील की गई थी। स्कोडा इंडियन मार्केट में अपनी लग्जरी सेडान्स कार्स के लिए पहले से ही जाना जाता है और अब बहुत ही ट्रेंडिंग सेगमेंट कॉम्पैक्ट SUV में अपनी जगह बनाना चाहता है, दैट टू विद ऑल न्यू विजन इन। स्कोडा की स्ट्रैटेजी 2.0 के तहत ये उनका पहला प्रोडक्ट है इंडिया के लिए, जिसको कहा गया है दिस इज मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया। स्कोडा अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए तो हमेशा से जाना ही जाता है और इसीलिए सेगमेंट में जो बहुत ही ट्रेंडिंग और माने जाने प्रोडक्ट हैं हुंडई क्रेटा एंड किया सेल्टोस, उनको विजन इन बहुत ही कड़ाके की टक्कर देने वाला है। विजन के अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो आपको बहुत सारे स्कोडा के एलिमेंट इसमें एक्सटीरियर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और जहां तक बात है इंटीरियर्स की, तो डेफिनेटली आपको लग्जरी फील मिलेगा और साथ ही साथ आप कुछ इंडस्ट्री फर्स्ट सेफ्टी एंड कंफर्ट वाले फीचर्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1.5 लीटर इंजन वाली ये गाड़ी तकरीबन 10 लाख रुपए के आसपास हम इसका जो प्राइस है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस लाइन में नेक्स्ट गाड़ी है एक बहुत ही पॉपुलर SUV जिसको आप जानते हैं टाटा हैरियर के नाम से। टाटा मोटर्स अपनी फ्लैगशिप SUV टाटा हैरियर को अब एक पेट्रोल वर्जन में लॉन्च करने वाला है। अगर लुक एंड फील की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट डीजल वर्जन जैसा ही आपको मिलेगा। आप ये गाड़ी इंडियन रोड पे बहुत जगह दौड़ते हुए देख सकते हैं। और जहां तक सवाल है इंटीरियर का, इंटीरियर भी ऑलमोस्ट डीजल वर्जन के आसपास ही रहने वाला है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जानने वाली वो ये है कि
कि इस गाड़ी में 1.6 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आएगा, जो अब से पहले टाटा की किसी गाड़ी में आपको देखने में नहीं मिला होगा। इस गाड़ी में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आपको मिलेगा और ये गाड़ी तकरीबन 12 लाख रुपए के आसपास मिल सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑन दिस टेबल, टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट वर्जन। ये एक ऐसी एसयूवी है जो हर ऑटो लवर चाहता है कि उसके गैराज में ये गाड़ी जरूर खड़ी हो। टोयोटा लेके आ रहा है फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट वर्जन, जो कि इसी साल जून में थाईलैंड में अनवील किया गया था। इस भारी भरकम एसयूवी में आपको जो चेंजेस है वो बहुत ही नोटिसेबल होंगे। चेंजेस आर लाइक हेडलैम्प्स, ग्रिल्स, टेल लैम्प्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इस गाड़ी में बाकी कोई चेंजेस, मैकेनिकल जो चेंजेस हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स सेम ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। और जहाँ तक बात है प्राइस की, तो इस गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहने की उम्मीद है जो कि अभी करंट प्राइस है टोयोटा फॉर्च्यूनर का इंडिया में। तो ये थी 5 गाड़ियाँ जो कि जनवरी 2021 में लॉन्च होने वाली हैं। अगर आप गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं और आपके मन में कोई भी सवाल है, तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। ड्रूम डिस्कवरी टीम आपके बाइंग डिसीजन में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशनल कॉन्टेंट आपके पास आता रहे। बहुत ही जल्द हम आपको मिलेंगे एक और वीडियो के साथ ड्रूम डिस्कवरी के सेम प्लेटफॉर्म में।